आप खुद भी ड्रॉ कर लोगे। नाउ सी यहाँ पे क्या क्या टर्म्स दे रखा है, ये जो भी टर्म्स आप यूज कर रहे हो, ये एक तो दे रखा है फ्लोर दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है बेटे आपके पास, फैट दे रखा है इसको। और नेक्स्ट यहाँ पे देर आर टू आइटम्स, के एंड देन के बी, कैसे मैं रफ फॉर्मेट बना रही हूँ वो आप सीखना। अब देखते बेटे, अब क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ। वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ, वन काइंड मतलब केक ए बनाने के लिए 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, कैसे रफ फॉर्मेट बना रही हूँ देखना। 25 ग्राम ऑफ फैट, फैट हो तो फैट के सामने डालो। एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर, एंड देन क्या दे रखा है 50 ग्राम ऑफ फैट दे रखा है। बेटे आगे क्वेश्चन पढ़ना। फाइंड द मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब क्या बताया बेटे मैंने, लेस देन आर इक्वल टू सिंबल बताया। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg। बेटे माइंडेड ऊपर फ्लोर जो दे रखा है वो ग्राम में दे रखा है। अब आपके पास मतलब क्या है, 5 kg आपके पास फ्लोर दे दिया और क्या दे दिया, 1 kg फैट दे दिया। अब इन दोनों मटेरियल को यूज करके आपको 2 types ऑफ केक बनानी है। आप जो मर्ज करो मैक्सिमम 5 kg तक यूज कर सकते हो। सो दोनों फ्लोर मिला के केक ए बना लो, केक बी बना लो, वो आपका चॉइस। लेकिन दोनों मिला के आपके पास अवेलेबल कितने हैं, 5 kg। बेटे ये ग्राम में दिया, अब केजी की बात कर रहे हैं, सो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तब ग्राफ बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो प्लीज वेरी केयरफुली यू हैव टू रीड, इन केस मान लो मिनट्स दे रखा है और वर्किंग आवर्स आवर्स में दे रखा है, देन आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। यही एक बात को आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। आप इधर देख लो ना, आप आइदर केक ए बनाओ केक बी बनाओ, दोनों मिला के आगे इसी सेंटेंस का मीनिंग आपको समझ आना चाहिए बेटे। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg, आइदर केक ए केक बी, फ्लोर हो तो फ्लोर के सामने, फैट हो तो फैट के सामने, केक के सामने। केक के बारे में नहीं बता रहे हैं बेटे, फ्लोर के बारे में बता रहे हैं। जो फ्लोर है वो मैक्सिमम एटमोस्ट आपके पास अवेलेबल 5 kg है। सो केजी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्राम में। सो लेस देन आर इक्वल टू, मैं फ्लोर मेरे पास 5 kg है, वो मैक्सिमम 5 kg तक यूज कर सकते हो, उसमें वेस्टेज निकल सकता है, लेकिन ये नहीं है उससे ज्यादा आप यूज कर पाओगे। सो अंडरस्टूड है, वहां पे लेस देन आर इक्वल टू, और फैट आपके पास अवेलेबल है मैक्सिमम 1 kg, 1 kilogram, दैट मींस इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं इन टू 1000। बेटे आपको ये बात समझ आए नहीं आए ये बोलो सबसे पहले, बेटे बोलो यस। नाउ लिसन बेटे, अब इसको डिसाइड करना है। ये तो रफ फॉर्मेट था, आपको एक फॉर्मेट समझाने के लिए, प्लीज सभी समझ लेना, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा तो टेल मी। यहाँ पे फ्लोर दिया, फैट कैसे लिखा है, जो आप बना रहे हो उसको हमने यहाँ पे रखा, आपका चॉइस इन दोनों का, केक है केक भी, यहाँ रखो यहाँ फ्लोर रखो, वो आपका चॉइस, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो टोटल की बात करेंगे, फ्लोर हो उसके सामने आना चाहिए, फैट हो तो फैट के सामने आना चाहिए, ये बात को समझना है। और दूसरी बात क्या है, एटमोस्ट सिंबल है, एटलीस्ट सिंबल है, उसके लिए सब कुछ मैं आपको दे रही हूँ। जब मैन्युफैक्चरिंग एक क्वेश्चन आ गया बेटे, अंडरस्टूड है, लेस देन आर इक्वल टू, दैट इज एटमोस्ट होगा, एटलीस्ट नहीं आता है, ये बात अच्छी तरह याद रखना। अब देखो एक्स और वाई डिसाइड करना है आपको, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्या मैक्सिमम प्रॉफिट है और मिनिमम पूछा है, जो मैक्सिमम मिनिमम देख के आप डिसाइड करोगे एक्स और वाई। अब दो वेरिएबल, लीनियर प्रोग्रामिंग है ये, दो वेरिएबल हम डिसाइड करना है, वो कैसे डिसाइड करते हैं वो भी मैं आपको समझा रही हूँ। अब आगे देखना बेटे, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, पहले सेंटेंस जो दूसरा सेंटेंस देखना, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, इसका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक पूछा है, हमने केक बी बनाया, सो लेट नंबर ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम प्रॉफिट लॉस ये देखे हम एक्स वाई डिजाइन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, सो लेट नंबर ऑफ केक, नंबर ऑफ केक्स ए इक्वल टू एक्स लेंगे, नंबर ऑफ केक बी इक्वल टू क्या लेंगे, वाई लेंगे। अब आपसे इधर देखना बेटे, सो एक्स वाई दो वेरिएबल चूज किया, वेरिएबल कैसे चूज करना वो भी मैंने आपको समझाया।
अब इधर देखना मैक्सिमम नंबर पूछा है तो मैक्सिमम इज इट इज नॉट अ वेरिएबल, एक नाम दे देते हैं बेटे मैक्सिमम इज इट, यही हमारा मेन टारगेट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ के निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम इज इट इक्वल टू आपके पास कितने मैक्सिमम नंबर था, एक एक्स था और क्या था वाई का, सो मैक्सिमम इज इट इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब आपके पास सब्जेक्ट, इसी को सब्जेक्ट बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, सब्जेक्ट और कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। सो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हमने केक ये कितने बनाया 200 ग्राम यूज करके एक्स नंबर ऑफ केक एक्स बनाया, सो 200 एक्स प्लस 100 वाई इन दोनों मिला के मैक्सिमम मेरे पास 5000 है एंड देन दैट इज मैक्सिमम 5000 मतलब वो जो फ्लोर है टोटल इतना फ्लोर इसका यूज किया इतना फ्लोर इसका यूज किया। सो यहाँ पे अनदर फैट के लिए आपका 25x प्लस क्या हो जाएगा 50y, सो लेस देन ऑर इक्वल टू क्या होगा 1000। बेटे ईच एलपीपी की एंडिंग में x कमा वाई ग्रेटर देन ऑर इक्वल टू 0 डालना जरूरी है क्योंकि x एंड y आर नंबर ऑफ केक्स, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है नहीं है तो पॉजिटिव हो सकता है, तभी तो ग्राफ ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट बताया गया है। बेटे अच्छी तरह प्लीज समझ लेना, सबसे पहले मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग आपका आना मैन्युफैक्चरिंग क्वेश्चन है, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑलवेज आई टोल्ड यू मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ते आपको समझ आना चाहिए ये मैन्युफैक्चरिंग क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन है। मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा क्या होता है एटमोस्ट होता है, एटमोस्ट का मतलब लेस देन आर इक्वल टू, सो सबसे पहले एक रफ फॉर्मेट डालो, रफ फॉर्मेट के बाद वहां पे क्या गिवन है जो टोटल मैक्सिमम एटमोस्ट अवेलेबल वो किसका उसके सामने, फ्लोर हो तो फ्लोर के सामने, नीचे फैट हो तो फैट के सामने, बाकी सब्जेक्ट में फिल कर दो। उसके बाद ही एक जो एक्स और वाई इसको देकर डिसाइड करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम देकर डिसाइड करते हैं बेटे, वो हमने नंबर ऑफ केक्स देखकर मैक्सिमम केक पूछा आपसे, एक्स और वाई डिसाइड किया, उसके बाद मैक्सिमम इज़ इक्वल टू ये रहा सब्जेक्ट जो हम बना रहे रफ वर्क वही सब्जेक्ट है। एंड में ईच एलपीपी एंड में एक्स का मा वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका मार्क्स डिडक्ट होगा, ये नहीं लिखोगे। बेटे ये समझ आ गया बच्चे, बेटे बोलो हाँ बेटे यस। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ बेटे, सिंप्लीफाई करूंगी, सो दैट इज 2x प्लस वाई विच इज लेस देन आर इक्वल टू 100 से डिवाइड कर देती हूँ 50 एंड देन एक्स प्लस 2y विच इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स प्लस 2y विच इज लेस देन आर इक्वल टू इसको किससे डिवाइड किया हमने 25 से किया, ये हो जाएगा 40x कमा वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0। बेटे बोर्ड विजिबल है बेटे आपका, लॉज नहीं हो रहा मुझे दिख नहीं रहा, ओके फाइन एनी हाउ सो सिंप्लीफाई किया। अब ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखना बेटे, सो पहला इक्वेशन कैसे ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ वो भी आप अच्छी तरह देखो, जब ग्राफ ड्रा करते हैं ना इनइक्वालिटी का कंसिडर मत करो, इनइक्वालिटी सिर्फ इक्वल सिंबल 50, समझ आ गया क्या बोल रही है। अब टेबल कैसे बनाना है, एक्स वाई एक्स का 0 दो वाई क्या आएगा 50, वाई का 0 दो एक्स क्या आएगा 25। अब दूसरा इक्वेशन क्या दे रखे बेटे, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 40, इसके लिए एक फॉर्मेट बनाओ बेटे सभी प्लीज अच्छी तरह सुन लेना, ये 0 y का वैल्यू 20, y 0 x का वैल्यू 40। बेटे ग्राफ शीट में आई टोल्ड यू सपोज ये आपका ग्राफ शीट हो, ये आपका ग्राफ शीट हो तो इसमें बोला मैंने यहाँ कॉर्नर पे एक्स वाई एक्सिस यू सीधे नीचे एक्स एक्सिस होगा, चार क्वाड्रेंट डिवाइड मत करना क्योंकि एक्स वाई ऑलवेज पॉजिटिव दैट्स आई टोल्ड यू। अब देखने बेटे मैं कैसे ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, और ग्राफ में 10-10 ग्राफ मत लो, 5-5 लो, तभी ग्राफ देखने में जो रिक्वायर्ड पार्ट है हमारा वो तब क्लैरिटी आएगा। आपने 10-10 ले लिया ग्राफ शीट तो इतना बड़ा होगा, कोने में मिलेगा छोटा सा ग्राफ वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप क्या करोगे इसका आप लोगे 5-5 का लोगे, सो 5-5 का मैं ग्राफ ड्रॉ कर देती हूँ। Now this is 5, 10, 15 बेटे सभी प्लीज ग्राफ शीट रखे प्रॉपर तरीका से करना बेटे, मैं बार बार बोल रही हूँ बच्चे क्योंकि इसको प्रैक्टिस करने के लिए भी तेरे पास टाइम नहीं है, सो इसलिए जो मैं कर रही हूँ उसके साथ साथ सही करो, इजी रहेगा आपको। दिस इज 5, 10, 15
देन 20, 25, 30, 35 एंड देन 40. हमें 40 तक चाहिए, वाई एक्सिस में 50 तक चाहिए, 45 एंड देन 50. बेटे पहला ड्रॉ कर रही हूँ, ये रहा 0, 50, 25, 0, ये रहा. अभी इन दोनों लाइन को स्ट्राइचर में ज्वाइन करोगे, स्केल रखोगे बेटे, प्लीज स्केल पेंसिल से करना है. सो इसके ऊपर इक्वेशन के ऊपर इनइक्वालिटी नहीं लिखना, ये इक्वल टू जीरो. ये तो देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 2x + y = क्या दे रखा है, 50. बेटे अब इनइक्वालिटी कंसिडर करोगे, इनइक्वालिटी क्या दे रखा है, लेस देन आर इक्वल टू में शेड कहाँ जाएगा बेटे, लेस देन आर इक्वल टू में शेड कहाँ जाएगा बेटे बोलो टूवर्स ओरिजिन. कल ही तो समझाया, नहीं है आपको वो नहीं समझ आ रहा है, जीरो जीरो रख के देखो जैसा इलेवेंथ में किया है. इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गया टूवर्स ओरिजिन, अदरवाइज अपोजिट ओरिजिन. अब जीरो जीरो रखो तो सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब आप सीधे सीखोना लेस देन आर इक्वल टू मीन्स टूवर्स ओरिजिन. जस्ट एरर मार्क लगा के छोड़ दो, शेडिंग मत करो, एरर मार्क लगा के छोड़ो. अब नेक्स्ट अनदर में आते हैं, 0, 20, 0, 20 ये रहा बेटे, एंड देन 40, 0, 40, 0 ये रहा. अब इन दोनों लाइन को ज्वाइन करो, ज्वाइन करोगे मेरी ग्राफ में एग्जैक्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, नहीं आएगा क्योंकि मैं रफ ड्रॉ कर रही हूँ, आपके आपकी ग्राफ शीट में सही मिलेगा बेटे. ये इक्वेशन दे रखा आपके पास, यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं लिखना बच्चे, जो वर्ड बोलती हूँ वो बात को सुन लेना प्लीज. इसमें इनइक्वालिटी नहीं लिखना इक्वेशन के ऊपर, सिर्फ इक्वल सिंबल वही हमने लाइन ड्रॉ किया. अब इनइक्वालिटी शेडिंग के लिए कंसिडर करते हैं, इसमें भी लेस देन आर इक्वल है, इसमें भी कहाँ पे आएगा शेडिंग, टूवर्स ओरिजिन. इधर देख, ये लाइन में भी टूवर्स ओरिजिन था और ये लाइन में भी टूवर्स ओरिजिन, जो दोनों का कॉमन शेडिंग पार्ट है वो आपका रिक्वायर्ड पार्ट होगा. ये कॉमन शेड नहीं है क्योंकि इसके यहाँ पे, ये भी कॉमन शेड नहीं है क्योंकि ये लाइन के नीचे, ये दोनों पार्ट छोड़ोगे जो कॉमन शेडिंग है वो ये रहा आपके सामने. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया. अब कॉर्नर पॉइंट्स देखोगे, कॉर्नर पॉइंट्स आई डोंट नो, ये तो ये ये रहा 0, 0, 0, ए पॉइंट ये रहा बेटे, दैट इज 25, 0 और बी पॉइंट आई डोंट नो, ये आप बताओगे, मेरे पास तो 25, 5 पे आ रहा है, आप बताओगे आइदर 20, 10 पे आ रहा है, आई डोंट नो, ये आप बताओगे बेटे ड्रॉ करके. देन ये बी पॉइंट होगा, देन ये सी पॉइंट होगा, दैट इज 0, 20. सो कॉर्नर पॉइंट्स आर कॉर्नर. अब ये सारे ग्राफ नोटबुक में, ग्राफ ग्राफ में ड्रॉ करो, जो सामने व्हाइट पेज है उसमें पूरा लिखना, और ग्राफ के ऊपर पेन गलती से भी नहीं रखना बेटे, पेंसिल से ही करोगे, प्लीज फॉलो माय वर्ड्स. सो कॉर्नर पॉइंट्स आर सो जीरो. बेटे समझ आ गया सभी को? यस बेटे बोलो. यस बेटे ड्रॉ करो, मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ आपकी ग्राफ में क्या है. आई होप सो 20, 10 पे आना चाहिए, आई होप सो वही आ रहा है. 20, 10. यस बेटे आप लोग भी करो, करना शुरू करो बेटे, प्लीज सभी फॉलो करें, सभी ग्राफ प्रॉपर ड्रॉ करें, कोई भी ऐसा ना बैठे नहीं कर रहे हैं और टाइम नहीं है, सब कुछ अच्छी तरह समझा रही हूँ, प्लीज फॉलो इट. सो अभी इसको उठा के मैक्सिमम रिजल्ट में आप करते रहो बेटे, मैक्सिमम रिजल्ट में सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि एवरीथिंग इधर देख, कॉर्नर पॉइंट्स में 0, 0 लिखना जरूरी है. आप मैक्सिमम रिजल्ट में सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि केक 0, 0, लेकिन कॉर्नर पॉइंट्स में ये 0, 0 नहीं लिखोगे मार्क्स विल बी डिडक्टेड. That's keep in your mind. अब सबसे पहले रखते हैं ये 25, 0 ये रखते हैं. सो ये रखो, दिस इंप्लाइज मैक्सिमम इज इक्वल टू 25 + 0, दैट्स इक्वल टू 25. नाउ बी पॉइंट रखते हैं, सो दैट इज 20, 10. सो दिस इंप्लाइज मैक्सिमम इज इक्वल टू 20 + 10, दैट्स इक्वल टू 30. एंड देन सी पॉइंट रखते हैं, सो दैट इज 0, 20. सो दैट इज, दिस इंप्लाइज मैक्सिमम इज इक्वल टू 0 + 20, दैट्स इक्वल टू वी आर गेटिंग 20. दैटफोर इन तीनों में जो मैक्सिमम आ रहा बेटे, सो दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स इक्वल टू 30. और ये होता है एक्स, ये होता है वाई. सो नंबर ऑफ केके, नंबर ऑफ केके इक्वल टू 20. नंबर ऑफ केक बी, नंबर ऑफ केक बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, 10. बच्चे आप लोगों का अच्छी तरह समझ आए? यस मैम.
यस बेटे सभी को समझ आना चाहिए प्लीज़। मैं बार बार बोल रही हूँ, इतने सारे टॉपिक कितने लोगों ने मिस किए मुझे नहीं पता, ये भी मिस नहीं करनी है आपको, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अच्छी तरह सीखो, इट इज़ सो इजीएस्ट वन, और एक 6 मार्क क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेगा। थोड़ा फास्ट करना बच्चे, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बेटे डू फास्ट, मैम बिल्कुल लास्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स कितना लिखा है? 2010 बेटे, जो कौन सा कॉर्नर पे आपके पास मैक्सिमम आए बच्चे, 2010 पे मैक्सिमम आए? यस, वही नंबर ऑफ केक होता है बेटे, नंबर ऑफ केक ही मैक्सिमम होगा, 20 नंबर ऑफ केक भी, जो पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, केक भी। आर यू क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है बेटे, थोड़ा जल्दी लिखो बच्चे प्लीज, सभी ड्रॉ करें। मैं बेटे आपका कैमरा ऑन करके ये केक को देखूंगी ना, दैट इज नॉट पॉसिबल, जस्ट यू फील योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटे। आप सोच रहे हो प्रेशर नहीं है, मैं ऐसे कौन सा कुछ समझा ही नहीं रही हूँ, सब कुछ समझा रही हूँ बेटे। प्लीज़ बार बार बोल रही हूँ, ग्राफ ढंग से ड्रॉ करो सो दैट यू कैन लर्न दिस वन प्रॉपरली, दोबारा करने की भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। नोटेड एवरीबडी नोटेड बच्चे? आई एम आस्किंग, यस मैं रेस करूं। अब दूसरा क्वेश्चन में जाऊं, सभी के पास बुक है बेटे, कोई क्वेश्चन पढ़ सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ सकते हो बेटे, प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 रीड आउट। यस रीड करो बेटे। Okay. It's making by a cricket bat takes 3 hours of machine time and 1 hour of craftsman's time. In a day, the factory has the availability of no more than 42 hours yes. of machine time and 24 hours of craftsman time. एक मिनट बेटे, एक टेनिस है, अब ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है बेटे, कोई और आंसर देना प्लीज, कौन सा टाइप का क्वेश्चन है बेटे? हाँ बेटे प्लीज आंसर दो यार, कौन सा टाइप का क्वेश्चन है ये, आइदर मैन्युफैक्चरिंग आर डाइट आर इन्वेस्टमेंट आर ट्रांसपोर्टेशन, कौन सा बेटे? यार आंसर तो दो यार, मैन्युफैक्चरिंग, यस एग्जैक्टली मैन्युफैक्चरिंग। अब बताओ बेटे, अब दोबारा पढ़ो बेटे क्वेश्चन को, दोबारा पढ़ो बेटे। Factory makes tennis racket and cricket bats. A tennis racket takes 1.5 hours of machine time. रुक जाओ, इधर देख, रुक जाओ बेटे। अब आपका सब्जेक्ट दे रखा है, वेरी क्लियर आपको समझ आ रहा होगा, जो एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए जो मशीन है उसमें 1.5 आवर्स टाइम लग रहा है, और क्रिकेट के लिए क्या टाइम लग रहा है बेटे? 3 आवर्स। ओके, वही सेम आपका एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए क्राफ्टमैन टाइम दैट मैन मैनुअली कर रहे हैं वो क्या है बेटे?
अगेन 3 आवर्स लग रहा है ये टेनिस के लिए और क्रिकेट के लिए 1 आवर। ठीक है बेटे, अब क्वेश्चन आगे पढ़ो। रुको बेटे, मशीन टाइम और 24 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन टाइम। ठीक है, नॉट मोर देन, व्हाट इज द सिंबल बेटे? नॉट मोर देन, व्हाट इज द सिंबल? मैक्सिमम। सिंबल क्या बोलते हैं उसको? वेल डन, एग्जैक्टली, लेस देन आर इक्वल टू। बेटे वो किसका बात कर रहे हैं, कौन सा अवेलेबल है आपका 42 आवर्स? बेटे क्या अवेलेबल है 42 आवर्स? मैक्सिमम मशीन टाइम। जो मशीन, ये मशीन के सामने आना चाहिए, इसलिए मैं चेंज करके लिखा था बेटे। टेनिस का नहीं बता रही है वो, मशीन टाइम अवेलेबल है। अवेलेबल मतलब लेस देन आर इक्वल टू 42 आवर्स। ये भी आस में था, ये भी आस में था, वो भी आस में है। और क्राफ्टमैन टाइम है वो मैक्सिमम, क्राफ्टमैन है उसके सामने। सो डोंट हेसिटेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मशीन टाइम की बात की है, वो अवेलेबल है 42 आवर्स, सो उसके सामने। तुमने गलती से टेनिस के नीचे लिखोगे पूरा कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा बेटे, यही आपको समझना है। और क्राफ्टमैन टाइम हो वो मैक्सिमम कितने आवर्स अवेलेबल है बेटे? 24 आवर्स। अब मैंने बोला एक्स वाई, उसका देख के डिसाइड करो मैक्सिमम मिनिमम प्रॉफिट ये दे रखा हो, उसको देख के एक्स एंड वाई डिसाइड करना। आगे पढ़ो बेटे। ओके, सो इसका मतलब नंबर ऑफ टेनिस, सो लेट नंबर ऑफ, वेरी क्लियर बता रखा है, मैक्सिमम प्रोडक्शन निकालो। सो लेट नंबर ऑफ टेनिस रैकेट इक्वल टू, टेनिस इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ क्रिकेट, नंबर ऑफ क्रिकेट बैट्स इक्वल टू क्या लेंगे? वाई लेंगे। एक्स वाई डिसाइड कर लिया, उन्होंने मैक्सिमम नंबर पूछा है, उसके बाद प्रॉफिट दे रखा वो सेकंड पार्ट में कर लेंगे। पहले इसको कंप्लीट करते हैं बेटे, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब सब्जेक्ट मैक्सिमम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्योंकि मैक्सिमम नंबर पूछा गया। सब्जेक्ट ये भी वंस अगेन, ये भी आस में था, ये भी आस में था, ये भी आस में है, नो नीड ऑफ चेंजिंग मिनट्स। इनकेस ये मिनट्स में दे रखा, ये आस में दे रखा, तब चेंज करते हैं, अदरवाइज चेंज मत करना। सो ये हो जाएगा 1.5x plus 3y less than or equal to 42 and 3x plus y which is less than or equal to 24 and then x comma y, बेटे x comma y greater than or equal to 0 लिखना mandatory है in every LPP के अंदर। अब बस हम क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। सो पहला ये इक्वेशन है, सो 1.5x plus 3y which is equal to 42। अब इसका x y बेटे सिंपलीफाई करके बता देने बेटे, सो ये डिवाइड करोगे क्या आएगा बेटे, 42 upon 1.5, x का 0 दिया, ये हो जाएगा कितने होगा बेटे, 14 है, 14। अब y का 0 दोगे, x क्या आएगा देखने बेटे, 42, that is 42 मतलब 420 upon 15 कितने आएगा बेटे, 2 कितने आएगा बेटे, 2 by 3 है 28। ओके फाइन, ठीक है ये हो गया। सो इसमें गलत कर दिया तो सब कुछ गलत हो जाएगा बेटे, ये बात को ध्यान रखना। और नेक्स्ट 3x plus y equal to क्या हो जाएगा, 24। सो xy, x 0 दिया, y 24, y 0 दिया, x क्या होगा, 8 हो जाएगा। सो आप एक काम करो, 4 4 का गैप लो, नहीं ये तो आपकी ग्राफ में आ रहा हो तो 2 2 का गैप ले सकते हो बेटे, इसी अच्छा ग्राफ मिलेगा, नहीं ये तो बहुत छोटा ग्राफ मिलेगा। सभी स्टार्ट करो, लिखना शुरू करो, ग्राफ ड्रा करो अपने आप, मैं जब तक मैं भी करती हूँ। एक्स वाई मुझे प्रॉपर तरीका से बता देना बेटे, मैंने बोला 2 2 का गैप लो, दैट इज ईजी फॉर यू, यू विल गेट एग्जैक्ट एक्यूरेट ग्राफ एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। बेटे सभी स्टार्ट करो बेटे प्लीज। लेना
24 तक y एक्सिस में है, तो उतना काफी है हमें। सबसे पहले ये चाहते हैं 014, ये रहा 014 एंड देन 28 0 ये रहा। बेटे सभी प्लीज ड्रॉ करो, फटाफट ड्रॉ करो। फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपने बताना है मुझे। सो मैंने बोला वेरी इमीडिएट इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना जरूरी है बेटे, प्लीज फॉलो करना सभी, मत छोड़ना। एक बार छोड़ दोगे फिर मुश्किल पड़ेगा, लाइन फाइंड आउट करने पड़ेगा, लेस देन आर इक्वल टू सिंबल, सो शेडिंग आएगा टू बोस ओरिजिन। अब दूसरा मैं आ रही हूँ 024, एरा 024 80, सभी फास्ट करो, टाइम रनिंग है। सो कल मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दूंगी, अभी पहले आप सीखो इसको। सो 24 024 80 80, अभी इसको ज्वाइन करते हैं। बेटा लाइन शुड बी वेरी थिन, लाइन शुड बी वेरी थिन, तभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये वाला इक्वेशन है 3x + y = 24, ये भी लेस देन आर इक्वल टू टुवर्ड्स ओरिजिन, जो कॉमन शेड है आपका ये रहा बेटे। सो अब कॉर्नर पॉइंट्स डिसाइड कर रही हूँ, 0, 0 और ए पॉइंट ये रहा, दैट इज 8, 0, बी पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट बेटे आपके पास क्या आ रहा है, 4, 12, 4, 10 है, देखना बेटे मुझे बता नहीं, आप बोलोगे तभी मैं करूँगी, मेरे पास 4, 12 आ रहा है ऑलमोस्ट, आप बता दो मुझे। और सी पॉइंट है 0, 14, प्लीज कॉर्नर पॉइंट बता देना। सो कॉर्नर पॉइंट्स आर, माने कॉर्नर पॉइंट में 0, 0 लिखना जरूरी है, सीधे नहीं कर सकते हो, कॉर्नर पॉइंट्स का मार्क्स डिवीजन होता है। सो बी पॉइंट आप बताओगे तभी करूंगी, एंड देन सी पॉइंट है आपका 0, 14, सो मैक्सिमम इज़ इक्वल टू क्या था आपके पास, एक्स प्लस वाई। सो सबसे पहले ले लेते हैं ये 8, 0, सो दिस इंप्लाइज मैक्सिमम इज़ इक्वल टू 8 + 0, दैट इज इक्वल टू 8। बेटे बी पॉइंट क्या आए बच्चे, बी पॉइंट आप बोलोगे तभी कर पाऊंगी बेटे। हाँ बेटे नहीं, बी पॉइंट पूछ रही बेटे, ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोले बेटे, 4, 12, 4, 12 सही है, ठीक है बेटे 4, 12 ठीक है। सो मैक्सिमम इज इक्वल टू 4 + 12, दैट इज इक्वल टू 16। सो ये मत सोचना खाली ये निकालेंगे, सब कुछ शो करने पड़ेगा 0, 0 के अलावा। सो देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स लिखो जो भी है, आइटम्स इक्वल टू 16 एंड नंबर ऑफ टेनिस रैकेट इक्वल टू जो एक आया वो 4 होगा बेटे, नंबर ऑफ क्रिकेट बैट वो दे रखा है आपके पास कितने हैं, ये आ रहा है 4 और 12 आया। अब इधर देखना बेटे ये था 1.5x एंड देन प्लस 3y इक्वल टू 42। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है बेटे, पढ़ो बेटे सेकंड पार्ट में। अच्छा ₹20 इधर देखना बेटे, पर टेनिस का प्रॉफिट मिल रहा है ₹20 20x आपका प्रॉफिट ऑफ टेनिस पता चलेगा, और उसका क्या दे रखे बेटे ₹10 क्रिकेट का 10 है ना बेटे, यस yes, इधर देखना। अब आपके पास कहां पे मैक्सिमम आया, बी पॉइंट पे है ना बेटे, ऑलरेडी हमने डिसाइड कर लिया ना, सो वहां पे प्रॉफिट रखो, देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम इज इक्वल टू 20 मैक्सिमम आया 4 और 10 ये आया आपका क्रिकेट आया 12, सो आपका प्रॉफिट निकालोगे दैट इज इक्वल टू 80 + 120 इक्वल टू ₹ क्या आ जाएगा 120 अच्छा 80 सो क्या आएगा बेटे 200 समझ आए बेटे बोलो बच्चे, दोनों ग्राफ अच्छी तरह समझ आए हैं, हाँ ना बोलो बेटे प्लीज। यस 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 मैम यस।
अब इसको ड्रॉ करो, ये दो ग्राफ करो, ये दो ग्राफ को अच्छी तरह समझो। कल से मैं स्टार्ट करूंगी थोड़ा बहुत होमवर्क देने की। सो मैंने बोला ना इसको 2 डेज में कंप्लीट, आज 14 है बेटे, कल कोशिश करूंगी, नहीं ये तो 16 तक लेकर जाऊंगी। ये चैप्टर वाइंड अप करने के बाद कंप्लीट रिवीजन कराऊंगी। ये नहीं हाउ प्रैक्टिकल चलेगा भी है, पहला 1 आवर मैं अपना क्लास आपका रिवीजन, जो भी आप टॉपिक बोलोगे वो टॉपिक मैं रिवीजन अपनी तरफ से ले जाऊंगी, और आपका एडिशनल कुछ चाहिए वो भी मैं कराऊंगी। डोंट वरी अटाल, बट कीप ऑन प्रैक्टिस, तब भी कर पाएंगे। और ये टॉपिक जो LPP है, अभी तुम कर रही हो ये सोच के करो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सो प्रॉपर तरीका से करो, दोबारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ ईच स्टूडेंट, एक एक क्वेश्चन पढ़ना। सो कल जब मैं पूछूंगी डिफरेंट स्टूडेंट पढ़ो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन, हाउ टू मेक रफ वर्क एंड हाउ टू मेक इनइक्वालिटी। सो ये 6 मार्क क्वेश्चन में आता है, यहाँ तक 3 मार्क्स मिलता है, आगे पूरा डिविजन बेसिस पे मार्क्स मिलता है बेटे। ग्राफ का 1 मार्क है और ये जो कॉर्नर पॉइंट्स लिख रहे हैं उसका 1 मार्क्स है, इसी तरह डिविजन हो जाता है। सो इसलिए बोल रही हूँ कोई भी पॉइंट को मिस मत करो, जब सीख रहे हो उसको प्रॉपर तरीका से सीखो। क्लियर? आप कंप्लीट करोगी, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देने की कोशिश करूंगी। एक ग्राफ, जस्ट सिंपल ग्राफ दे देती हूं। बट इफ यू हैव डन देन आई कैन। बड़े हवे डन, यस। आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर ये वाला में आप पढ़ो बेटा, जो अभी बोला है वो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेना बेटा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं क्वेश्चन नंबर 4, वो क्वेश्चन होमवर्क में कर, सिर्फ इनक्वालिटी बना के दे देती हूँ मैं, पढ़ो बेटे प्लीज पढ़ो। नहीं और कोई पढ़ो बेटे, और कोई पढ़ो, एवरीबडी हैव बुक है ना बेटे। इन मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस नट्स एंड बोल्ट्स, इट टेक 1 आवर ऑफ वर्क ऑन द मशीन ए एंड 3 आवर्स ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ द नट। एक मिनट बेटे, बच्चे 2 मिनट बेटे, 2 मिनट। देखो नट्स बोला है आपने, बोल्ट्स बोला है, कैसे मैं रफ वर्क बना रही हूँ, और दूसरा 2 मशीन काम कर रहे हैं इसमें, और मशीन ए एंड देन मशीन बी है ना बेटे, यही बताया आपने। अब दोबारा पढ़ो बेटे इस क्वेश्चन को, दोबारा पढ़ो बेटे। इट टेक्स ओके वेल डन। आगे आगे बेटे, इट टेक्स 3 आवर ऑन मशीन ए एंड 1 आवर ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ बोल्ट्स। ओके फाइन गुड, आगे ही अर्न्स